हंड्रेड है, एक तो खा ली है ना दवाई आपने, अब सो जाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो एज यू ऑल्सो, मम्मी को फीवर है, पायल को कॉफ है। सो इट ऑल स्टार्टेड अ वीक अगो। तो पूरा क्या क्या हुआ डिटेल में हम आपको आज इस व्लॉग में बताएंगे, और थैंकफुली सब तो रिकवरी स्टेज में है, बस मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है। देख देख, खांसते हुए भी हंस रही है। मेरी यही खासियत है, एक हफ्ते से बीमार हूँ पर हंस के। 100 भी हुआ था टेम्परेचर पर हंस के। दिखा मैं किसी चीज में हेल्प कर दूं। मेरे लायक काम कुछ फेंकने का, ये फेंको, ये फेंको, बस यही काम मिलता है मुझे, ये बाहर फेंको। कुछ तो काम मिला, रिस्पेक्टेबल, वरना तो मेरे को कूड़ेदानी में कूड़ा फेंक के आने का काम मिलता था। तो गाइस, सिचुएशन कुछ ऐसी हुई क्या ओवर एक्टिंग कर रही, और इसके दौर पे काटो, इसके दौर पे ओवर एक्टिंग के, छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, इग्नोर करो। तो गाइस ऐसा हुआ, 16th को आई गेस 16th रात को हेल्थ खराब हुई थी मेरी, पहले सबसे कॉफ और कोल्ड हो गया था। उसके दो दिन बाद पापा को हुआ, एंड देन पायल को भी हो गया। कैलकुलेट कर रहे हो ना, 16, 18, 19 ऐसे। तो गाइस अब मैं आपको सिचुएशन बता दूं पूरी हमारे क्या हुआ। तो सबसे पहले 16th को हेल्थ खराब हुई मेरी, कोल्ड कफ एंड थोड़ा बहुत हुआ, बट मैं दो दिन में रिकवर हो गया। उसके बाद पापा की हो गई थी थोड़ी बहुत कफ एंड कोल्ड, देन पायल को हो गया। पहले कफ हुआ, फिर फीवर हुआ, फिर कोल्ड हुआ, हेडेक हुआ, अभी कोल्ड और हेडेक दोनों चल रहे हैं। काफी सीवियर हेडेक हो रहा है ना, तो दो दिन से काफी बहुत दुख की बात है। फिर भी हंसी जा रही है, हमें तो ऐसा लगता है ड्रामा कर रही है। जब ये बहुत दर्द है, फिर हंसती है सर में, बहुत दर्द। तो हमने टेस्ट नहीं कराए कि ये कोविड है कि नहीं है, क्योंकि हमें पहले इनिशियली जब इनको हुआ था तो हमें लगा कि नॉर्मली है, सबको हो जाता है कोल्ड, तो इतनी ज्यादा दिल्ली में ठंड, दिल्ली की सर्दी, दिल्ली में इतनी ठंड है कि हमें ऐसे लगा कि नॉर्मल कोल्ड है। बट जब फैलने लग गया, वो ट्रांसफर होने लग गया, तो पता लग गया कि शायद ये कोविड हो सकता है। तो हम वही है कि हम बाहर नहीं निकल रहे घर से ज्यादा, ऐसे मतलब डिस्टेंस रख रहे हैं। पहले हम मास्क भी पहनते थे, पर जब पता लगा कि सबको हो गया तो हमने मास्क पहनना ही बंद कर दिया। अदर देन दैट मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं कोविड को, यानी कि ओमिक्रॉन को भी, बिकॉज अगर हम इतना ही ये करते रहेंगे कि ये कोल्ड कफ से अपनी जिंदगी रोक लें, वो नहीं हो सकता। ज्ञान शुरू, ऑब्वियसली हमें अपने काम करने हैं, अपने जॉब्स पे जाना है, अपने प्रोफेशंस को फॉलो करना है। लोग पूरी लाइफ थोड़ी रोक सकते हैं सिर्फ कोल्ड कफ के लिए, वो तो चलता ही रहता है। नॉर्मली भी कोल्ड होता है तो वो कम्युनिकेबल होता है, और 3 या 4 दिन तक कोल्ड नॉर्मली भी रहता ही है। तो अब क्या कर सकते हैं इस चीज का, ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, अपना मास्क पहनो, प्रिकॉशंस लो, ताकि किसी और को हार्म ना हो आपकी वजह से। अदर देन दैट अपने काम तो सबको करने ही पड़ेंगे। प्रिकॉशंस तो हमने ली, मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड का रोका था अंबानी। हाँ, कांग्रेचुलेशंस अंकित। हाँ, अंकित का रोका था, मतलब इनके फ्रेंड का, और हम उसमें नहीं गए, जाने का तो बहुत मन था हम दोनों। ऑल्दो मैं हो गया था रिकवर, बट स्टिल क्यों ऐसे।
ऐसा होता है कि सिम्टम्स अगर आप में थोड़े बहुत भी सिम्टम्स है तो ट्रांसफर हो सकते हैं. तो हम सोच रहे थे कि मम्मी की इम्यूनिटी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है यार, मास्क भी लगाती और मेरे को कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, कोविड कुछ नहीं होता. तो बड़ा फाइनली मम्मी को फाइनली क्या, मम्मी को भी फीवर है. हाँ, मम्मी को जैसे कि मैंने दिखाया, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थ्री मतलब सेकंड डे या थर्ड डे तक मम्मी रिकवर कर ले. पापा रिकवर्ड है, मैं रिकवर्ड हूँ फुली. मम्मी को फीवर है और इसको थोड़ा हेडेक है, तो ये सिचुएशन है. बस अब कल तक सब रिकवर हो जाए, संडे को हैप्पी संडे सेलिब्रेट करें हम, ताकि देखते हैं उसके बाद हम अरुई का बर्थडे सेलिब्रेट करें जो कि नेक्स्ट वीक है. बाकी वैसे लोग तो यही कह रहे होंगे कि और जाओ घूमने और घूमो, हो गया कोविड. बट ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज सब आजकल हम किसी की बात करते हैं ना कॉल पे भी, तो वो भी खांसी का होता है. इतना ऑब्वियस हो चुका है ये कोल्ड का, इतना ऑब्वियस है कि सबके घरों में सबको हो रहा है. तो देर इज नो पर्टिकुलर रीजन कि आपको अब हम ढूंढने बैठे कि उस दिन उस वजह से उस इंसान से हमें हुआ था, वो बिल्कुल भी वैलिडेट नहीं है मेरे को लगता. राइट, तो ठीक है. फोन आ गया? आ रही है, आती है ना. क्या करती है सीमा आंटी, कैसे करती है? बर्तन खाती है, कैसे करती? डब्बी फिनिश हो गई, कैसे करती है? इधर आके बताओ. कल जो इसने भाई एक्टिंग कर लिया है रिपीटेड मोड पे, डब्बी फिनिश हो गई. देख कौन खा गया, चारू खा गई. चारू खा गई. टाम टेरो पापा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं पापा. जा पापा, पापा चाय कैसे पीते हैं? हाँ फूंक तो मारते हैं, भूल गए, फूंक मार के पीते हैं जैसे तू. आती टाम टे चाचू कर ले, चीव इसको चीव कर ले, खा लो खा लो. नानी लेंगी ठीक है, रोटी खिला दो, रोटी खिला दो. मम्मा बोलते भाग रही चुप गई. अब इसकी गेम बन गई है. हेलो had a good afternoon nap. दिल्ली में ठंड खत्म नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा ठंड है. मौसम देखो, धूप देखे हुए हफ्ता हो गया. ये भी एक रीज़न है वैसे बीमार रहने का ना, मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है. स्ट्रीम मुंह खोल के लेनी चाहिए, कैसे कैसे गले में अगर है तो मुंह खोल के लोगे तो ठीक है. मुंह खोल के लोगे होता है, चलिए तो मेरे को बता नहीं चाहिए. एक आध बार खांसी आई उसके बाद ठीक है, हमें नहीं पता था, हमने तो ऐसे ही बस ले लो स्टीम ले लो. तो पायल को अभी भी हेडेक था, तो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है उनसे मैंने फ़ोन पे पूछा है दवाइयाँ, तो वो देख रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ कुछ हेडेक की पेन किलर और अजिथ्रल की 3 गोली देना. मोंटे कैल्सी. सो थैंकफुली दवाई तो यहीं पास वाले केमिस्ट से ही मिल गई. सो लेट्स होप पायल ठीक हो जाए यार इससे, क्योंकि 3-4 दिन हो गए अब तो, काफ़ी सीवियर हेडेक हो जाता है ना. सो लेट्स सी. दवाई खा ली पूरी सारी? यो. तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं. पूरी सिचुएशन तो आपसे शेयर कर ही दी हमने, होपफुली सब ठीक हो जाए कल परसों तक, फिंगर्स क्रॉस्ड है ना, कल तक, कल परसों भी नहीं. हाँ यार, हैप्पी संडे. हैप्पी संडे बनाए हम. सो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो प्लीज़
लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी करो प्लीज। ऐसे ही वीडियोस हम आपसे यू नो पर्सनल लाइफ भी शेयर करेंगे धीरे धीरे। सो अगर आप लाइक करोगे, व्यूज आएंगे तो हम हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम और ज्यादा। सो प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।